गौरव ने लेट हो गई ना बहुत, एक्चुअली जेन्युइनली आज पापा ने साल जो मतलब शायद नहीं किया होगा, कुक से करवा लिया, इससे करवा लिया, उससे करवा, आज पापा ने मेहनत करवाई। रेडी गाइस? ओके सो मैम, सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्या कहना चाहिए? ऑल द सेम, आप सभी को गणपति बाप्पा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके आने की सारी खुशियाँ, आप सभी के परिवार में पॉजिटिविटी आए और बाप्पा बहुत सारा प्यार, स्वास्थ्य और सब कुछ लेकर आ जाओ आप अपना। मैम इस बार की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो किस तरह से इस बार की प्रिपरेशन रही है? प्रिपरेशन वही है, इनफैक्ट जब ऑनेस्टली जब अनुपमा नहीं थी मेरी जिंदगी में, तब बहुत प्रिपरेशन, इन द सेंस मार्केट जाना, रात को दादर जाना, वहाँ पर से कंठी खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, बिकॉज आई ग्रोन अप इन मराठी कल्चर और मेरे घर में गणपति जी आए हैं इस बार, इट्स बीन 34 years, 34 साल से 34th year, और वही भटजी हैं। तो अभी पहले भटजी आते थे, वो अभी जैसे हमारा पुराना बिल्डिंग है तो ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते, तो उनकी बहू आती है और भटजी होते वीडियो कॉल पे। सो थिंग्स हैव चेंज, इट्स बिकम मॉडर्न एंड बट 34 years, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। पहले पापा लेकर आते थे और मैं और मेरा भाई छोटे छोटे हम लोग साथ साथ में चलते थे पीछे, गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या करके। फिर बाद में मेरा पापा बीमार पड़ने लगे, मेरा भाई और मैं उठाने लगे मूर्ति को, भाई कनाडा चला गया, फिर मैं लेकर आती थी, फिर यू नो एंड देन लास्ट में देन अगेन माय ब्रदर मी वर देयर आफ्टर पापा इज गॉन, देन आज मेरे बेटे ने पहली बार पूछा थी घर में, तो वी डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मम्मा इट्स माय फर्स्ट टाइम, मम्मा सॉरी मम्मा सॉरी आई एम स्लो, बट इट वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज लाइक वेरी हार्ट वार्मिंग, एक माँ के हिसाब से अपने बच्चे को यू नो वही ट्रेडिशन आगे बढ़ाते थे, और मेरा भाई भी था उसके साथ ऐसा नहीं, बट देन द होल फैमिली इज लाइक ओके नाउ रुद्रांश इज डूइंग इट, सो हाउ थिंग्स चेंज एंड इट्स ब्यूटिफुल। एंड अनुपमा में इस बार 4th साल है गणपति का, तो मेरे घर के गणपति और ये घर के मेरे ये गणपति, तो मेरे दोनों घर में गणपति आते हैं एंड ब्लेसिंग कि वो हमें सेवा करने का मौका देते हैं। और मैम एज यू सेड इट्स बीन 34 years, तो अगर यू नो अभी जैसे इस बार आपके बेटे ने पूजा किए हैं, सो ऐसी ही कुछ रिचुअल्स में चेंजेस आती गई है, कितनी चेंजेस आई है, मॉडर्न जमाना हो गया है, मंत्र वही है, पूजा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लोग चेंज होते गए हैं, पूजा करने वाले जो लोग हैं वो चेंज हो, हमारे भटजी भी वही है, मतलब बिकॉज मम्मी इज महाराष्ट्र एंड वी हैव बीन ऑलवेज गेटिंग द शारदा माता का मूर्ति एंड आई हैव टू शो यू द मूर्ति दैट यू नो इस बार हमारे घर में आई है, इट्स ब्यूटीफुल, सॉरी वन सेकंड, दैट्स द मूर्ति, हम यहां पे दैट द मूर्ति, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट आई पोस्ट इट एंड यू कैन प्रोबब्ली सी इट। एंड हमेशा बाल रूप और कृष्णा रूप में ही मेरे घर में पापा का आगमन हुआ है, 34 साल से हमारे पापा तो बड़े हुए नहीं, हमारे छोटे छोटे से ही, नथिंग हैज चेंज, ओनली थिंग पूजा करने वाले चेंज, सेम थिंग एवरीथिंग, मतलब वो जो पहले दिन का मेन्यू है, खिचड़ी, लाबड़ा, पायश, बैगन भाजा, यू नो टमेटो चटनी एंड ऑल द बंगाली फूड ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज द सेम, दैट डजंट चेंज, मम्मी स्टिल मेक्स पायश, ओनली थिंग खिचड़ी आई मेक टुडे, देन मेरी मासी मोदक बना के लेकर आती है, फिर चूरमा लड्डू बनते हैं घर में, सो ऑल दीज थिंग्स जो पहले दिन का मेन्यू है वो वही रहता है और 34 साल से वो वही रहा है, बदला नहीं है, सो अभी भी घर में सब लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पर हूँ। मैम डे स्टार्ट की अगर बात करें तो किस तरह का आपका दिन होता है, स्पेशली ऑन गणपति, क्योंकि आपको 4 साल से तो आप यहाँ पर भी आ रहे हो, ऑन सेट भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या कहना चाहूँगे? मैं घर में खाना वाना बना के वर्सोवा में, उसके बाद वर्ली जाती हूँ, सब खाना वाना सब कुछ देती हूँ, क्योंकि हमारे तो वैसे वही छोटे चूल्हे वाले किचन होते हैं, तो वैसे फैंसी वैंसी किचन नहीं है, तो आधा खाना मेरे यहाँ बनता, आधा वहाँ बनता है, इस बार 80% मेरे यहाँ बना, मम्मी ने 20% बनाया, और वहाँ जाके फिर दिन, फिर अब ये रिचुअल चला कि 4 साल अनुपमा के सेट पर आना, फिर घर जाके वापस भोग चढ़ाना, लेकिन इस बार ये था कि मेरी शूट थी आज पहली बार गणपति के दिन, आई एम शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सो आई हैड टू कम हियर, पूरा वहाँ खत्म करके भोग खत्म करके देन आई हैड टू कम हियर, व्हिच इज व्हाई देन आई एम अ लिटिल लेट, सो या
So lastly, message to your fans and viewers, ma'am. I won't call them my fans. I would call them all the people who have made me Anupama. All the people who have given me so much love that chahe kabhi kuch thak jati hu, kabhi kuch bimar ho jati hu, kabhi kuch hota hai. लेकिन आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे हिम्मत देता है जाके वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होकर पुट इन माई बेस्ट यू नो डू माई 100% एंड थैंक यू सो मच अनुपमा को इतना प्यार देने के लिए अनुपमा के साथ बने रहने के लिए. शोज में अलग अलग स्टोरीज आती हैं, ट्रैक्स आती हैं, कुछ ट्रैक्स हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद आते हैं, लेकिन हर वक्त अनुपमा के साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का. एंड जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर सब मिलते हैं लोग और ऐसा लगता है ये सब मेरे लिए ही है, विश्वास नहीं होता, लेकिन बस मुझे इस प्यार की आदत डालने के लिए थैंक यू आप सभी का. थैंक यू.